वन पीस चैप्टर 1117 आ चुका है। व्हाट अ चैप्टर इट वाज। आई होप तुम लोगों ने रीड कर लिया। करेंटली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ज़ोरो वर्सेस नज़ुरो। व्हाट अ क्लैश इट वाज। ए क्लैश बिटवीन टू स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन, ए क्लैश बिटवीन टू किटेत्सु ब्लेड। आई नो राइट, हियर एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ज़ोरो वर्सेस नज़ुरो, बट ये चैप्टर यही तक नहीं था। इसके साथ साथ हम लोगों को पता चला वेगापंक का जो मैसेज है ब्रॉडकास्टिंग है वो खत्म हो चुका है। वेगापंक कुछ तो रिवील करने जा रहा था अबाउट डी, बट लाइन फिनिश करने से पहले ब्रॉडकास्टिंग एंड हो गया। डोंट वरी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। प्लस इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने देखा चार गुरु से मिलके एक साथ एंशिएंट रोबोट के ऊपर हमला कर देता है। तुमको क्या लगता है, इज इट द एंड ऑफ द एंशिएंट रोबोट? आउट से नो भाई। जितने लोग यहाँ पर डिसअपॉइंट हो मैं बोलूंगा पूरी वीडियो देखो, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलो शुरू करते हैं डिटेल्स में बातचीत। तो शुरू करने से पहले मेक श्योर टू दैट लाइक बटन, और चलो चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट करो। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा है तो अरिगतो गोजाइमस। वंस अगेन चैप्टर की स्टडी में हम लोगों ने देखा लोगों के रिएक्शन वेगापंक के मैसेज के ऊपर, जो हम लोग कुछ चैप्टर से देखते हुए जा रहे हैं। और इस बार लोकेशन था पायरेट आइलैंड जो ब्लैक बियर्ड के अंडर में है। वेगापंक का मैसेज सुनने के बाद वहाँ के पायरेट्स बोल रहे थे कि इसका मतलब ये है कि पानी के नीचे जो ओशन फ्लोर है वहाँ पर हम लोग को बहुत सारे ट्रेजर्स मिलने वाला है। आगे एक और पायरेट इंटरप्ट करते हुए बोलते बेवकूफ, ये मत समझना कि पानी के नीचे सोने का बना हुआ दुनिया है, ऐसा मत सोचना। और मेरे भाई इस पैनल के अंदर फाइनली हम लोगों ने देखा गिन एंड क्रीक को। पहचाना इन दोनों को, अच्छे से देखो मेरे भाई। नहीं पहचाना तो तुम्हारा भाई है तुमको याद दिलाने के लिए। यहाँ पर गिन वही बंदा है जिसको हम लोगों ने वन पीस के स्टार्टिंग में देखा था, जिसको सांजी ने खाना खिलाया था अपने हाथों से। और यहाँ पर गिन का साथी है डॉन क्रीक, इसके बारे में शायद तुम नहीं भूले होगे यार। और यहाँ पर डॉन क्रीक एंड गिन दोनों को लास्ट वन पीस के अंदर दिखाया गया था साल 1998 में, आज से 25 साल पहले। तो फाइनली 25 साल बाद हम लोग इस चैप्टर के अंदर इस पैनल में दोनों को एक साथ रियूनाइट होते हुए देख रहे हैं। दिस व्हाट आई एक्चुअली लव अबाउट वन पीस के ओडा सेंसे कब कौन से कैरेक्टर को इतने साल बाद दिखा देता है, ये हम लोग सोच में पड़ जाता है। चैप्टर में आगे हम लोग देखते हैं पायरेट्स बोलते हैं जो खजाना ये पानी के 200 मीटर नीचे है, अगर हम लोग इसको ढूंढने जाएंगे तो वहाँ के सी बीस्ट हम लोगों को मार देंगे। आगे एक और पायरेट बोलता है कि ऐसा कोई शिप नहीं जो अंदर डाइव कर सके। फिर एक और पायरेट बोलता है अगर ऐसा नहीं हो तो हमारे पास मारमेट्स है ना, अगर हम लोग मारमेट्स के ऊपर काउंट कर ले तो हम अंदर जा पाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अभी से हम लोग को वेगापंक के मैसेज का जो इफेक्ट है वो दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने तुम लोग ऑलरेडी बोल के रखा है वेगापंक के मैसेज के बाद पूरी दुनिया चेंज होने वाली है, अलग अलग जगह के जो पायरेट्स है वो रिएक्ट करने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी पायरेट्स नीचे जाने के बारे में सोच रहा है, यहाँ पर तो बस पायरेट आइलैंड के पायरेट्स को दिखाया गया जो नीचे जाने के बारे में सोच रहा है, मरमेट्स को टारगेट कर ट्रेजर तक पहुंचने के लिए। यहाँ से मेरे को लगता है ओडा सेंसे यहाँ पर हम लोग को बोलने की कोशिश कर रहे हैं अभी फिलहाल जो फिशमैन आइलैंड के लोग है वो खतरे में है, बिकॉज जो लोग है जो पायरेट्स है दे विल ट्राई टू डाइव इन और उनकी जगह पे वो लोग हमला करना स्टार्ट करेंगे। दे विल डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट द ट्रेजर। इट्स मोर लाइक रॉजर का मैसेज। जैसे रॉजर के मैसेज के बाद सारे के सारे लोग निकल पड़े थे समंदर में पायरेट बनने के लिए, खजाना ढूंढने के लिए, वैसे वेगापंक के मैसेज के बाद ना ज्यादातर लोग अभी पानी के नीचे छलांग लगाएंगे, बिकॉज एंशिएंट बहुत सारे चीजें वहां पर मौजूद है, तो उन लोगों को लग रहा था बहुत सारे ट्रेजर्स है। तो यहाँ से द एंटायर वर्ल्ड गोना मूव नाउ। और यहाँ पर जैसे पायरेट आइलैंड के अंदर पायरेट्स का रिएक्शन दिखाएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा डॉन क्रीक और गिन मौजूद है। तो यहाँ से ना मेरे को लॉ की याद आ रही है, बिकॉज कुछ टाइम पहले ब्लैक बियर्ड ने लॉ को बोला था द ओनर्स ऑफ द 100 हर्ड्स यू स्टॉल एट रॉकी पॉट आर स्टिल लिविंग ऑन द पायरेट आइलैंड, आई बेट दे विल बी थ्रिल्ड इफ आई ब्रिंग देम योर हार्ट, वी विल हैव अ टोस्ट। और बताओ अभी याद आया या फिर नहीं, लॉ ने जो रॉकी पॉट्स में 100 पायरेट के हर्ड्स को चोरी किया था वो 100 पायरेट्स अभी पायरेट आइलैंड के अंदर मौजूद है। और यहाँ पर बेसिकली हम लोग को पायरेट आइलैंड का सिनेरियो दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर डॉन क्रीक और गिन भी मौजूद है। डज दैट मीन दिस आर द सेम पीपल जिनके हार्ट को लॉ ने चोरी करके रखा है और उनको अभी तक अपने हार्ट्स नहीं मिले, बिकॉज वो गवर्नमेंट के पास है। अब आई नो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में क्या आ सकता है कि गवर्नमेंट इतने टाइम तक उनके हार्ट्स को क्यों रखेंगे, उनको मार क्यों नहीं दिया। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट पूरा ये डिपेंड करता है ओडा सेंसे के ऊपर। बट मेरे को लगता है पायरेट्स को एज अ बेट यूज करने के लिए उन लोगों को मारा नहीं गया, उनके हर्ट्स को अपने पास रख दिया। और ये पर जो लॉ ने 100 हर्ट्स को चोरी करके रखा है ये मरीन्स ने भी हम लोग को बोल के रखा है, आई होप तुम लोग को याद है। आगे मेरे को पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग इसको भूल गए, तो मैंने थोड़ा मेंशन कर दिया यहाँ पर। आगे हम लोग पायरेट आइलैंड के बाद ग्रैंड लाइन में चले जाते हैं, और वहां पर हम लोगों ने क्रिकेट का रिएक्शन देखा, और उसके साथ थे मंकीज। दे विल लाइक ये स्टोरी नोलन की स्टोरी से पहले की बात है। और अगर तुम लोग यहाँ पर क्रिकेट को भूल गए तो मैं तुम लोग को याद दिला देता हूँ, इस कैरेक्टर को लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जया आर्क में, तो इतने टाइम बाद क्रिकेट को यहाँ पर दिखाया गया। एंड अगेन दे विल डिस्कसिंग फॉर डाइविंग, जैसे मैंने बोला आफ्टर वेगापंक्स मैसेज एवरीवन गोना मूव, वैसे ही हो रहा है। आगे सीन कट होता है और हम लोग चले जाते हैं मरीन्स हॉस्पिटल में, वहां पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे न्यू जनरेशन मरीन्स हैं और वो लोग एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। वहां के जितने सोर्ड मेंबर्स थे वो लोग इंजर्ड है, वहां पर वो लोग रेस्ट कर रहे हैं, कोवी वहां पर लेटा था। और आगे हम लोग को ये पैनल दिखाया जाता है जहां पर हम लोग तीन बेस्ट न्यू जनरेशन मरीन्स को देखते हैं, कोवी, कुजाकू एंड ग्रोस। यहाँ पर मेरे को लगता है ये तीनों न्यू जनरेशन मरीन्स के बिग थ्री होने वाला है। अगर हम लोग यहाँ पर कोवी की बात करें तो हम लोग को पता है कोवी इज गार्प्स इनहेरिटर, गार्प के बाद कोवी यहाँ पर उसका जगह लेने वाला इन फ्यूचर। और यहाँ पर अगर हम लोग कुजाकू की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को पता है कुजाकू इज सुरुस ग्रैंड डॉटर, यहाँ पर इन फ्यूचर कुजाकू गोना टेक सुरुस प्लेस। तो यहाँ पर
और बस बाकी रहता है ग्रस्त। तो मेरे को लगता है ग्रस्त के साथ शायद सेंगू को कोई लेना देना हो सकता है, और इसी के साथ साथ न्यू जनरेशन मरीन्स के बिग थ्री हमारे सामने आ जाएगा। या फिर कुछ लोग तो ऐसे भी बोल रहे हैं कि ये इन तीनों को रिप्लेस करेंगे इन फ्यूचर न्यू जनरेशन 3 एडमिरल्स। बाकी इतना तो तुम लोग भी प्रेडिक्ट कर सकते हो बिकॉज इट्स सो ऑब्वियस, बिकॉज और कोई न्यू जनरेशन मरीन्स हमारे सामने नहीं आ रहा है। सो दिस थ्री आर द वंस जो फ्यूचर में लीड करेंगे फॉर श्योर। और चैप्टर के आगे हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रेक, वो वहां पर अस्पताल में पड़ा है और उसने वहां पर कुछ बोला नहीं, बट यहां पर मेरे भाई तुम समझ रहे हो 1-0 फाइट के बाद उसको पहली बार दिखाया जा रहा है एंड वो स्टिल इंजर्ड है। हम लोगों ने 1-0 आर्क कब का खत्म किया, हमारे मेंबर सारे के सारे फाइट वाइट करके एक और आर्क खत्म करने वाला है और बेचारा ड्रेक वहां पर स्टिल 1-0 से जो इंजर्ड हुआ था वो अभी तक हील कर रहा है। यार रोडा सेंसेस को दिखा के एक पैनल वेस्ट कर दिया। चैप्टर के आगे फाइनली हम लोग स्मोकर को देखते हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वो वहां पर न्यू वर्ल्ड में है और ताशी के साथ फोन में बात कर रहा था। तो जितना लग रहा है स्मोकर फिलहाल वहीं पर जाने वाला है, स्मोकर एक बाइक के साथ है और उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी आ चुके हैं। स्मोकर वेंट टू ए हार्ड ट्रेनिंग, यू नो इट्स बीन 418 चैप्टर्स की स्मोकर को हम लोग नहीं देख रहे। लास्ट टाइम पंख हजार्ड के लास्ट में हम लोग स्मोकर को दिखाया गया था, मतलब 11 साल पहले मांगा के अंदर लास्ट टाइम स्मोकर को दिखाया गया। इट्स एक्चुअली लॉन्ग टाइम कि बहुत सारे लोग भूल गए थे कि स्मोकर एग्जिस्ट करता है, बट चलो मांगा के अंदर 11 साल बाद फाइनली स्मोकर वापस आ चुका है, मे बी इन फ्यूचर में हम लोग उसको रिलेवेंट होते हुए देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं वेगा पंक बोलता है मैं ये ब्रॉडकास्टिंग खत्म करने के एंड पर आ चुका, मतलब मेन पॉइंट पर आ चुका हूं, बिकॉज मेरे को जितना पता था मैंने ऑलरेडी उतना बोल दिया, अगर इससे ज्यादा कुछ बोलूंगा तो वो सारे बातें थ्योरीज होंगे एकदम सच नहीं। तो वेगा पंक को जो लास्ट एग्जैक्ट ट्रूथ पता है वो पॉइंट बोल के वेगा पंक ये ब्रॉडकास्ट खत्म करने वाला है और वहां पर हम लोग देखते हैं लोग चिल्ला के बोलने लगता है रॉजर ने अपने पीछे क्या छोड़ के गया, वो हम लोगों को बताओ, मतलब लव टेल में रॉजर ने क्या छोड़ा, वहां पर क्या देखा, वो सब कुछ जानने के लिए लोग डिमांड कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं सारे के सारे रिएक्शंस फाइनली खत्म होता है और हम लोग चले जाते हैं एगेट में वापस और वहां पर नामी बोलती है व्हाट वाज दैट साउंड, इट स्टर्टलेड मी। तो अपन नामी ने कोई साउंड सुना है जो नामी को डरा रहा है एंड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग नामी हैज बीन एबल टू हियर थिंग्स फ्रॉम रियली फार अवे, नामी बहुत दूर से चीजों की आवाज सुन सकती है। तो ये सारे फाइट शायद बमबारी के बीच में नामी ने एक्चुअली में सुना क्या है जो इम्पोर्टेंट है। तुम लोग शायद बोलने वाले गोरोसे मेंबर्स में, तो बोलूंगा गोरोसे तो पहले आ चुके, नामी को पता है इज द एंशियंट रोबोट या फिर उसको छोड़ के भी समथिंग एल्स जो इस आइलैंड में है जिसके बारे में नामी बात कर रही है। बाकी चाहो तो इसके ऊपर अपना ओपिनियन तुम लोग कमेंट पे दे सकते हो। आगे हम लोग देखते हैं नामी के ग्रुप शिप को पानी में कराने के लिए तैयार हो जाता है एंड वहीं पर सडनली नज़ुरो आ जाता है शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो डायरेक्ट नामी को एनकाउंटर करने वाला था बट आगे हम लोगों ने देखा जिम्बे ज़ोरो को फेंक के मारता है और ज़ोरो एंट्री ले लेता है बीच में और नामी एंड शिप को बचा लेता है। एक पैटर्न मेरे को बढ़िया लगा, ऐसे मोमेंट में ना स्ट्रॉ हेड्स को ना एक दूसरे के साथ बात करने की जरूरत नहीं होती है। जिम्बे एंड ज़ोरो ने कोई कन्वर्सेशन किया ही नहीं बट जिम्बे को पता चल गया यहाँ पर करना क्या है, वो ज़ोरो को फेंक के एकदम नज़ुरो को सामने मारा और ज़ोरो एकदम से नज़ुरो के खतरनाक अटैक को रोक दिया और मेरे भाई ज़ोरो ने इस अटैक को यूज किया टू स्वॉर्ड स्टाइल देर तक चला तो ऊपर स्काई स्प्लिट होने वाला जैसे शैंक्स एंड व्हाइट बियर्ड के मोमेंट के टाइम हम लोगों ने ऊपर देखा था। आगे हम लोगों ने देखा ज़ोरो फाइनली नोटिस करता है कि ये कितेत्सु ब्लेड है। आगे हम लोगों ने देखा ज़ोरो एंड नज़ुरो के अटैक का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि दोनों बहुत दूर जाके गिरे, वहां पर ज़ोरो को तो जिम में पकड़ लिया और वहां पर नज़ुरो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। आगे ज़ोरो नामी के ग्रुप को बोलता है हमारी फिकर करने की जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम लोग आ जाएंगे और वहां पर सांजी खड़ा होकर लुफी को रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। यार ओडा सेंसे डिड डर्टी विद सांजी, ट्रस्ट मी ये बहुत गलत किया सांजी के साथ, लग रहा था कि उसका पावर अप होने वाला है किसी के साथ फाइट करेगा बट उसका कोई ओपोनेंट ही नहीं है। टकला गांधी के साथ वो गया तो था बट टकला गांधी ने उसको पेल दिया, तभी वो साइड में खड़े होकर लूफी को रीच आउट कर रहा है। सांजी फैंस टेल मी तुमको अभी कैसा लग रहा है ये सब देखने के बाद, बट यहाँ पर अगर हम लोग सांजी को साइड में रखे तो हम लोग बोल सकते हैं इजीली कि ये बैटल एकदम बढ़िया होने वाला है। आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ लॉन्गेस्ट बैटल बिकॉज हमारा काम यहाँ से भागना है, फाइट करना नहीं है। ऑन दी अदर साइड हम लोग इतना भी पता है चार एल्डर्स वहां पर एंशियंट रोबोट को रोकने के लिए गए तो एक एल्डर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड्स को रोकेंगे, तो ज़ोरो को यहाँ पर बचने के लिए फाइट करना ही पड़ेगा। फिर हम लोगों को लग रहा था गुरु से डोंट गिव अ शिट अबाउट स्ट्रॉ हेड्स एंड द अदर पीपल, बट अभी यहाँ पर सीन देख के ऐसा लग रहा है कि गुरु से शायद हम लोग को भागने नहीं देंगे, ब्रॉडकास्टिंग को बंद करने के साथ साथ हमारे ऊपर लूट पड़ेंगे बिकॉज वो लोग नहीं चाहेंगे इस आइलैंड से कोई भी जिंदा वापस जाए। तो ये फाइट कैसे क्या होने वाला ये देखने लायक होगी बिकॉज हम लोगों को पता है गुरु से मेंबर्स कोई डैमेज नहीं ले रहा है, उनको डैमेज कैसे करेंगे ये देखने में मजा आए। हम लोग आगे देखते हैं, बाकी सब लोग बोलते हैं हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार है और ऑन दी अदर साइड हम लोग वहां पर देखते हैं ओइमो काशी और जितने जायंट्स वो लोग भी निकलने के लिए तैयार है बट वाइस एडमिरल ब्लू ग्रास आके उनके ऊपर हमला कर देता है। इसके साथ हम लोगों ने देखा डॉल काशी को टेक डाउन
कर लेती है एक अटैक के साथ जिसका नाम था रॉक एंड रोल ब्लास्टर। आगे हम लोग फाइनली लूफी को देखते हैं, वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, वो बोलता है पीछे से वो बंदा कहां गया, मतलब वल्क्यूरी कहां चला गया। एंड डोरी और ब्रॉगी का रिएक्शन भी सेम था कि वो बंदा कहां चला गया। और नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं चार गोरो से एक साथ एंशियंट रोबोट को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पैनल को देख के मुझे इस सिनेरियो की याद आ गई सच्ची में ब्रो। और आगे एंशियंट रोबोट को देखने के बाद मार्स बोलता है ये वही रोबोट है ना जिसने 200 साल पहले मेरी जूस पर हमला किया था। तो आगे गुरु से एंशियंट रोबोट के ऊपर हमला करने से पहले हम लोग देखते हैं ऑन दी अदर साइड वेगा पंग बोलता है मेरे पास एक लास्ट मैसेज है जो मैं तुम लोगों को बोलना चाहता हूँ। ये मैसेज उन लोगों के लिए जिनके नाम में डी मौजूद है। वेगा पंग आगे बोलता है तुम में से जितने लोग अपने नाम में डी को कैरी कर रहे हो। इस लाइन के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है ड्रैगन का फेस जिसका नाम में डी, और साबो बोलता है एस एंड लूफी दोनों के नाम में डी है, और कोबी बोलता है लूफी सन एंड वाइस एडमिरल गार्ब दोनों के नाम में अगेन डी है। एंड ऑन दी अदर साइड हम लोग ब्लैक बियर्ड का रिएक्शन देखते हैं बिकॉज उसके नाम में भी डी है, और फिर बेपो भी अपने कैप्टन लॉ को बुलाने लगता है जिसके नाम में अगेन डी है। तो ये सारे के सारे लोग जितने लोगों के नाम में डी थे सारे के सारे लोगों को इस पैनल में हाईलाइट किया गया। और वेगा पंग ने आगे बोला तुम में से जितने लोगों के नाम में डी है देयर इज, और उसके साथ साथ ये यही पर कट ऑफ हो गया। बिकॉज ऑन दी अदर साइड हम लोगों ने देखा चारों वेल्डर्स ने एक साथ मिलकर एंशियंट रोबोट को एकदम से उड़ा दिया, और वहां पर पूरी दुनिया के लोग शॉक हो गए कि भाई वेगा पंग बोलने क्या जा रहा था, डी का मतलब क्या है। अब इतना घटिया क्लिफहैंगर के साथ साथ ये चैप्टर यही पर खत्म होता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है तो हम लोग चार दिन के अंदर नया चैप्टर के स्पॉइलर देखने वाले फॉर श्योर। बाकी आई नो तुम लोग अभी क्या बोलने वाले हो, एंशियंट रोबोट तो फ्रॉड निकला, कुछ कर ही नहीं पाया। ओडा सेंसेई इतने टाइम से हाइप दिखाते हुए जा रहा है कि ये चल रहा है आगे बढ़ रहा है, मरीन्स के ऊपर हमला कर रहा है, इसको कुछ नहीं हो रहा है। फिर एल्डर्स ने एक शॉट दिया और ये खत्म। भाई ये मत बोलो चार एल्डर्स से मिलके एक शॉट दिया, एक एल्डर कितना खतरनाक है, तो वहां पर चार एल्डर्स है भाई। बट स्टिल आई नो राइट चार एल्डर्स या पांच एल्डर्स को कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टिल वी नो राइट कि भाई इस रोबोट को बहुत ज्यादा हाइप करके रखा है, तो एक शॉट में नॉकआउट होना इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई डोंट नो ये पैनल देखने के बाद अभी तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कि जो एंशियंट रोबोट एकदम से हार गया और टूट गया और समथिंग, बट यहाँ पर मेरे को ऐसा नहीं लगता ये एंशियंट रोबोट की स्टोरी यहाँ पर खत्म होने वाली है। इतना फास्ट डिफीट आई डोंट थिंक यहाँ पर ऐसा होने वाला है भाई। मेरे को यहाँ पर कहीं ना कहीं लगता है कि एंशियंट रोबोट का सिचुएशन यहाँ पर जुनेशा की तरह होने वाला है, बिकॉज जुनेशा के केस में हम लोगों ने देखा कायदो के मेंबर्स बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर जुनेशा के ऊपर हमला करते हुए जा रहे थे, पर जुनेशा कुछ भी नहीं कर रहा था, वो सारे के सारे अटैक्स ले रहा था और वो एकदम से गिरने वाला था, और तब जाके जुनेशा ने बोला गिव मी द ऑर्डर टू फाइट, मुझे फाइट करने के लिए ऑर्डर दो, बिकॉज जुनेशा यहाँ पर अपने आप से काम नहीं करता, उसको ऑर्डर देना पड़ता है, फिर उस ऑर्डर को फॉलो करके वो काम करता है। और आगे मेरे को जितना याद है शायद मोमोनोसुके ने उसको ऑर्डर दिया था फाइट करने के लिए, और फिर जाके जुनेशा ने सारे के सारे पायलट्स को एकदम से उड़ा दिया, वो भी एक सिंगल शॉट के साथ। यहाँ पर मेरे को लगता है सेम सिचुएशन एंशियंट रोबोट के साथ भी हो रहा है, वो गोरोसे के अटैक्स को इजीली ले लिया, वो कुछ नहीं कर रहा है और वो गिरने वाला, सेम है जुनेशा जैसे वो गिरने वाला। यहाँ पर जैसे सिचुएशन सेम है तो मेरे को यहाँ पर लगता है एंशियंट रोबोट को ऑर्डर देना पड़ेगा फाइट करने के लिए, जब तक उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक वो फाइट नहीं करेगा। बट द क्वेश्चन इज किसका ऑर्डर, इज इट वेगा पंक्स ऑर्डर या फिर लूफी का ऑर्डर, क्यों ना हम लोगों ने देखा लूफी के हार्ट बीट से ही एंशियंट रोबोट चलने लगा। और यहाँ पर जुनेशा एंड एंशियंट रोबोट दोनों को जब फर्स्ट दिखाया गया हम लोगों ने देखा दोनों मिलके जॉय बॉय को सॉरी बोल रहे थे, तो ये देख के मेरे को लगता है एंशियंट रोबोट भी जुनेशा की तरह काम करेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा, अन्य भी ये एंशियंट रोबोट बस लूफी का ऑर्डर फॉलो करने वाला है, बिकॉज़ देयर्स नो वे कि इस रोबोट को एक झटके में ऐसे हरा देंगे, नहीं भाई वो भी इतना ज्यादा हाइप करने के बाद। बाकी चाहो तो इस पूरे टॉपिक के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो, मैंने तो अपना ओपिनियन शेयर किया, बाकी तुम लोग बताना। आगे हम लोगों ने देखा था वेगा पंग कुछ डी के बारे में बोलने वाला जिसका नाम है डी है, उनके रिलेटेड कुछ ये मैसेज तो हमारे सामने रिवील नहीं किया, बट ये अलग अलग कुछ हो सकता है, जैसे ऐसा हो सकता है वेगा पंग यहाँ पर ब्लैक बियर्ड के बारे में बोलने जा रहा था कि तुम में से जितने लोगों के नाम में डी है उनमें से एक ऐसा बंदा है जो एक इंपोस्टर है, मे बी इट्स पॉसिबल कि ब्लैक बियर्ड ओरिजिनल डी नहीं है, ही इज अ ट्रेटर और अ फेक डी, या फिर हम लोग उसको एक इंपोस्टर बुला सकते हैं। इससे पहले भी एगेट में हम लोगों ने ब्लैक बियर्ड के अलग अलग मेंशन देख के रखा, जैसे सैटर्न ने बोला एज इज हिज लीनेज, मतलब उसका लीनेज स्पेशल है, और वहां पर कैटरीना देवन ने भी बोल के रखा है टीच इज स्पेशल। पर वेगा पंग ने फाइनली बोला दोस ऑफ यू हु कैरी द लेटर डी इन योर नेम, और यहां पर ये खत्म हो चुका है। यहां से ऐसा होने का चांसेस है वेगा पंग वाज टॉकिंग अबाउट ब्लैक बियर्ड, या फिर मे बी वेगा पंग वाज टॉकिंग अबाउट तुम में से जितने लोगों के नाम में डी है उनमें से देयर इज अ वन हु विल अपीयर टू लीड द वर्ल्ड टू अ न्यू डाउन। सो दिस मैसेज और इसको रोकने का टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। अब इसके लिए डी से दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, नंबर 1 ब्लैक बियर्ड एंड नंबर 2 लूफी। ब्लैक बियर्ड कुड बी एन इंपोस्टर, सारे के सारे जितने डी है सब लोग ऑलमोस्ट अच्छे हैं, बट उनमें से ब्लैक बियर्ड सही रास्ते पे नहीं है, सो ही कुड बी एन इंपोस्टर, या फिर इट वाज ऑल अबाउट लूफी जो वेगा पंग को एक्चुअली में पता नहीं। सो मे बी वेगा पंग वाज अबाउट टू से उनमें से जितने लोग हैं इनमें से देयर इज अ चोजन वन, समवन हु विल लीड द एंटायर वर्ल्ड टू अ न्यू डाउन जिसके नाम में
रेडी है एंड दैट इज आवर लूफी वी नो राइट। तो अभी के लिए जहां पर मैसेज रुका ये देखने के बाद दिमाग में इट्स इधर ब्लैक बियर्ड और लूफी, इट्स इधर इंपोस्टर नहीं तो चूजन वन। बाकी मैं चाहता हूं वेगापंक क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, तुमको क्या लगता है, तुम्हारा ओपिनियन तुम लोग कमेंट पर टाइप करो, देखते हैं तुम्हारे थॉट्स इस टॉपिक को लेके क्या, और जो एंशिएंट रोबोट वहां पर गिरने वाला है उसको लेके तुम्हारा सोच क्या है उसके बारे में तुम लोग कमेंट बता सकते हो। एज ऑलवेज वन पीस रिव्यू लंबे वीडियो मेरे को पता है, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, छोटी मोटी डील्स को मैंने इस वाले वीडियो में मेंशन करने की कोशिश की। बाकी वीडियो बहुत लंबी और लंबी वीडियो बनाने में मेहनत भी ज्यादा लगती है, तो मेक श्योर तुम लोगों का लाइक बटन दबा रहे हो, चैनल पर नए हो तो मेरे भाई प्लीज सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करेंगे तो आपको घंटा उसे दबा के ऑल पे सेट कर देना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।